हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ ग्वालियर सिटी में ग्वालियर फोर्ट घूमने। ग्वालियर फोर्ट जो है अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू की वजह से भी फेमस माना जाता है। एंड यहाँ पर आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ पूरे फोर्ट पे एक बहुत ही तगड़ा पैनोरामिक व्यू आता है यहाँ से देखने में। जैसे कि आप देख रहे हो पूरे पीछे ग्वालियर सिटी, बहुत ही ज्यादा हाइट पे इसे बताया जाता है। और अभी हम हैं फर्स्ट स्टोरी पे, फर्स्ट स्टोरी मतलब फर्स्ट फ्लोर। अब ऊपर जाके देखते हैं कितनी हाइट पर है कितनी पे नहीं। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे पैलेस के बिल्कुल सामने एंड बहुत ही ज्यादा मस्त व्यू यहाँ का आ रहा है। पूरी ग्वालियर सिटी यहाँ से दिखती है। ये जो पैलेस है, ये जो पूरा प्रीमिसेस है, इस पूरे प्रीमिसेस के अंदर कई सारे पैलेस है। मेरे ख्याल से 4-5 पैलेस है, 6 पैलेस अराउंड है। एंड हर पैलेस की अलग टिकट है। ये मेरे पीछे अभी राजा मान सिंह द्वारा बनाया हुआ पैलेस है। इसके अंदर भी अभी मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ पूरा कैसा है कैसे नहीं। वीडियो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहें। ग्वालियर फोर्ट राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था और इस फोर्ट पर कई शासकों ने राज भी किया था। ग्वालियर आने के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। सभी शहरों से यहाँ पर ट्रेन अवेलेबल हो जाती है। एंड 1500 रुपीज़ में हमें एसी वाला रूम इस वाले गेस्ट हाउस में मिल गया था, जहाँ पर हमने नाइट स्टे करी। रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी मिला है खाने के लिए। क्या क्या भाई, क्या क्या मिला खाने के लिए? पनीर है, रोटी है, सलाद, वेज बिरयानी वो ला रहे थे, रह गई। अच्छा। ऑटो रिक्शे वाले आपको एक ग्वालियर हॉस्पिटल के सामने आके छोड़ते हैं। यहाँ पर एक चौक है और यहाँ पर लिखा भी है उर्वल गेट। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ की चढ़ाई रहती है, कैसी नहीं रहती। तो भाई यहाँ की फेमस डिश बताई जाती है पोहा। मैंने हर दुकान पे यहाँ पे पोहा देखा है। कल रात भी यहाँ पे बहुत सारे लोग पोहा खा रहे थे, तो अब भी खाते हैं। तो ये कुछ कहने वाला है, हमने पोहे वाले भैया को तह दिल से 100 रुपए अदा किए हैं पोहे खाने के। कसम से नहीं, कसम से पोहे टेस्ट थे। और ग्वालियर की फेमस डिश है पोहा, ये इसी ने बताया, मुझे अभी पता लगा। मैंने भी सुना ही है भाई। ग्वालियर फोर्ट में एंटर करने के लिए आपको दो गेट मिलते हैं, एक है गुजारी महल गेट और एक है उर्वई गेट, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये टेंपल रन वाली दीवार नहीं लग रही, यहीं से भागने स्टार्ट कर। यहाँ रास्ते में पहाड़ों पे भी नक्काशी करी हुई है। एंड ये रास्ता पूरा केदारनाथ की याद दिलाता है, पूरा केदारनाथ यात्रा की टू गोपी है। कौन से जमाने का गेट है, कितने साल पुराना है ये, कितने साल पुराना गेट हो गए? उसी टाइम का है। किस टाइम? 1500 BC। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर ये ऐसा कुछ हमें दिखता है। फर्स्ट व्यू ऑफ दिस पैलेस। ये ट्रैफिक पुलिस के लिए था क्या? ये साइड में जो देख रहे हो ये बाउंड्री, ये सारी किले की है, उसके उधर ग्वालियर सिटी है। कहाँ से क्या मिल गया नीचे जाके? हम अभी तहकीकात करके आए हैं। अच्छा, किस चीज की? अंदर एक कमरा बना पड़ा है, मस्त एकदम ठंडा। तो भाई ये है मेरे पीछे भी करण महल। 1194 में तोमर राजवंश ने इसको जीता था, तो उसके बाद ये उनका हो गया था, तभी से इसे करण महल बताया जाता है। हम अंदर चलते हैं, आ जाओ। तो ये है भाई जेल पुराने जमाने की, चलते हैं हम भी देखते हैं क्या है अंदर। पूरा उखड़ा पड़ा है, तो ये तब के सामान रखे हैं क्या? जेल के टाइम पे चक्की पिसवाई जाती थी। अच्छा अच्छा, यही था क्या वो पीसने वाला? जेलर विक्रमादित्य, और इसका पूरा नाम था भद्रभानु भरत प्रताप। पूरे ग्वालियर फोर्ट में ऐसे आपको छोटी छोटी सी गलियां एंड गलियारी मिलेंगी। एंड छोटी छोटी सी सीढ़ियों से होते हुए हम फोर्ट के अंदर जाते हैं। एंड अंदर जाते जाते बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता जाता है रास्ता, एंड भूल भुलैया सी हमें देखने को मिलती है। जहां पर भी देखो वहीं पर रास्ता निकल जाता है। एंड अभी हम आ गए हैं ऊपर वाली फ्लोर पर। एंड यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, एंड बहुत ही पैनोरामिक व्यू आता है यहाँ से देखने के बाद। बहुत ही ज्यादा भूल भुलैया सा ये रास्ता बना रखा है, हद से ज्यादा सीढ़ियां हैं और कमरे हैं। अब यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं कैसा व्यू आता है कैसा नहीं। ओ वाओ, यहाँ पर आके पता लगता है भाई साहब कि एक राजा अपनी प्रजा को कैसे देखता हुआ इस वाली जगह पर खड़े होके। यहाँ से पूरा ग्वालियर फोर्ट ऐसे दिखता है। इतनी धूप में और इतनी हाइट पर आने के बाद भी यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, जिसे आप फील ही कर सकते हो बस। और ये इतनी ज्यादा हाइट पे है, सारे घर यहाँ से बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और इस ग्वालियर फोर्ट के आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, चारों तरफ से आपको सेम ही व्यू दिखेगा, मतलब
पूरा ग्वालियर फोर्ट दिखेगा, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट जो है ये पूरे ग्वालियर सिटी के सेंटर में है एंड ये अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। राजा मानसिंह द्वारा ये बनवाया गया था। तो मेरे पीछे अभी जोर कुंड है। इस जोर कुंड का मतलब ये है जो रानियों के जो राजा होते थे, जब वो अपनी फाइट में या युद्ध में हार जाते थे तो वो यहाँ पर आके मतलब आग में जल जाती थी, इसलिए इसे जोर कुंड कहा जाता है। और हाँ एक और बात, यहाँ पर फोटोग्राफी के भी अलग चार्जेस है 250-250 रुपए। तो भाई फोटो के लिए आ रहे हो, DSLR लेके आ रहे हो, तो 250 रुपए पहले अलग रख लेना। अभी इस भाई ने बताया सारी लोकेशन के 400 रुपए पड़ेंगे बाहर पड़ा मैंने, और एंट्री टिकट 20 रुपीज है। चारों तरफ से एकदम एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी धूप में भी। इन पतली पतली सी सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है। इन सीढ़ियों से उतरते थे पिछले के जमाने के, क्या जहाँ का जो की और ये आगे देखा के नीचे देख। हवारी, अरे हवारी है यार। जोर कुंड का रास्ता, तो मैं हूँ अभी जोर कुंड के बिल्कुल सामने। यहाँ पर ऐसा होता था जब कोई राजा हार जाता था, अपनी फाइटिंग में हार जाता था, युद्ध में हार जाता था, तो उनकी जो रानियां होती थी अपनी जान दे देती थी ताकि दूसरे राजा के साथ उसकी शादी ना हो सके, इस तरीके से ऐसा कुछ था। लेकिन अब तो यहाँ पर बारिश की वजह से पानी ही पानी हो गया, नीचे काई तक जम गई है। तो वो कुछ पिछले टाइम की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुंड है इसमें से पानी सप्लाई किया जाता था कर्ण महल और मानसिंह के महल में, और जिस टाइम में मुगलों का शासन था तो राजपूताना जो थी वो अपनी आन बान बचाने के लिए इसी पानी में सुसाइड कर लेती थी, उनके हाथ ना आए। कौन से मूवी में? पद्मावती। अच्छा, हमें तो जलाया गया था ना, यहाँ पे डूबते थे। अब तुम उन डूबे हुए को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि डूबे हुए लाश वाले पानी को सप्लाई कर लेते थे। ये सामने जहांगीर महल, एंड यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस जगह लग रही है मेरे को तो ये। कहाँ से? ऊपर से पानी आता था बारिश का, साफ हो गए होते क्योंकि ये बना रखे ना गड्ढे, यहाँ से पानी साफ हो जाता था। 10 मीटर होने के बाद यहाँ फिर यहाँ इकट्ठा होता था। मुझे जरा कोई ये बताओ, ये सीढ़ी जा कहाँ रही है? यहीं पर आकर खत्म, मतलब क्या यार इन सब चीजों का? ये गुप्त रास्ता है क्या कोई आगे? जहांगीर पैलेस एंड शाहजहां पैलेस। तो अभी हम आ गए हैं राजा मानसिंह पैलेस के बिल्कुल अंदर, इस वाले कक्ष में जहाँ पर डांस किया जाता था मेरे ख्याल से। एंड यहाँ पर हर दीवार पर आप देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर नक्काशी करी गई है। यहाँ पर जितने भी ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर है, उस टाइम पर यहाँ पर डायमंड्स वगैरह भी लगाए होते थे। तो उस टाइम पर इब्राहिम लोधी के द्वारा फाइटिंग के थ्रू यहाँ पर इब्राहिम लोधी अटैक के दौरान सारे हीरे मोती जो थे वो निकलवा लिए थे और इस जगह पर डांस हुआ करता था। तो हम आ गए अभी बेसमेंट के अंदर एंड ये बिल्कुल अंदर की तरफ का सीन है। यहाँ पर बहुत एक अजीब सी स्मेल आ रही है, अब ये नहीं पता किस चीज़ की है, शायद यहाँ पर चमगादड़ वगैरह भी ऊपर लगे रहे होते हैं इस वजह से, और यहाँ आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंज रही है। ये बेसमेंट के अंदर और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड हम जाते जाते हैं। ये डबल बेसमेंट के अंदर हम आ गए हैं अभी, अभी हम 2 स्टोरी नीचे हैं। तो हम दोबारा से इस तरीके के कक्ष में आ गए हैं एंड आप ये जो जालियां देख रहे हो, ये जालियां उस टाइम पर जो रानियां होती थी, इन जालियों के पीछे से यहाँ पर जो डांस होता था वो डांसों को देखा करती थी इन वाली जालियों के पीछे से, क्योंकि उस टाइम पर बाहर निकलना उनको परमिशन नहीं थी रानियों को। एंड यहाँ पर अब मैं पूरा कंफर्म हूँ, यहाँ पर बैठकर राजा जो थे वो डांस को देखा करते थे।
पूरे इस वाले इलाके में। तो जो मेरे पीछे भी पैलेस है ये बना था 1500 शताब्दी के अंदर। तो अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था एंड झांसी की जो रानी थी वो यहाँ पर आई थी राजा मान सिंह के पास अपनी शरण मांगने, तो उन्होंने मना कर दिया था आई थिंक, क्योंकि वो जो राजा मान सिंह था वो अंग्रेजों के साथ था, तो इसलिए उसने यहाँ पर झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई को शरण नहीं दी थी। तो इसी दौरान सैनिक विद्रोह हो गया था यहाँ पर, जो सेना जो प्रजा थी वो झांसी की रानी के साथ थी, मान सिंह के साथ नहीं थी। तो सेना मान सिंह की सेना ने ही अपने राजा को मार दिया था उस टाइम पर, और उसके बाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते झांसी की रानी की इसी किले में डेथ हो गई थी। तो बस इसी बात के लिए ये किला इतना ज्यादा फेमस है एंड यहाँ की जो ब्यूटी है वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा आकर्षित है। ये जो रास्ता जा रहा है वहां से लेके उस टाइम पर जो राजा थे यहाँ से अपने घोड़े से आकर इस वाले गेट से अंदर जाया करते थे एंड ये उनका मेन गेट हुआ करता था। वहाँ पर जो गेट स्टार्ट होता है उसे गुजारी महल का रास्ता ऐसे कुछ बताया जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ पर से एंट्री हो जाती है मेन, और हमारी जो एंट्री है वहाँ से हुई थी उस तरफ एंड यहाँ से जो यहाँ का व्यू है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। Dollar that I got and then I probably went and pissed it away. I'm fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock, it's the radio. बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यार यहाँ पे, लेकिन हमें चढ़ना नहीं पड़ा, हम उतर रहे हैं। और अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हम घूमे भी नहीं हैं। अभी हम ये लगा लो आधे से भी कम जगह पर इस किले में घूमे हैं। पूरे घूमने का हमारे पास अभी टाइम नहीं था, 4 बजे की ट्रेन है, तो इस वजह से अभी हमें स्टेशन भी जाना है एंड अब बज रहे हैं 3 बज चुके हैं, तो इस वजह से हमने पूरा घूमा ही नहीं। ग्वालियर स्टेशन से थोड़ी सी आगे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। अभी मैं आया हूँ एक फैमिली रेस्टोरेंट करके नाम है, 60 रुपीज़ पर प्लेट यहाँ पर थाली है एंड वर्थ इट है थाली। दाल और शाही पनीर एंड चावल एंड 4 रोटी वगैरह, यानी 60 रुपीज़ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप भरपेट खाना खा सकते हो। तो भाई ये जो फोर्ट था बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यूज थे यहाँ के। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब चल रहे हैं यहाँ से हम ग्वालियर के स्टेशन पे, पहले खाएंगे कुछ खाना पीना एंड उसके बाद मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूंगा।